पैसा हो गया काला, काला पैसा गया पनामा, फट गया पजामा। क्या इसमें है, क्या इसमें इस बॉक्स में जो भी जाएगा उसकी लाइफ बदल जाएगी। जी हाँ हाँ, लाइफ बदल जाएगी उसकी। जिंदगी तो तेरी बदलेगी पिंसोला, इतना भयानक होगा ना तेरे साथ कि तुझे तड़पने का मौका भी नहीं मिलेगा। इनका चेहरा तो देखिए, मक्खन पिघला जा रहा हो जैसे। पिंसोला की असिस्टेंट है ये अनीता, पटाका एकदम पटाका। पिंसोला को पता ही नहीं है कि ये उसे बर्बाद करने आई है। सुना है इसकी बहन डायना पिंसोला से प्यार करती थी। पिंसोला से प्यार, पिंसोला ने प्यार का बदला प्यार से दिया, डायना की कार का एक्सीडेंट करवा दिया। कौन है वो जिसकी जिंदगी बदलने वाली है? कौन है वो जो यहां इस बॉक्स के अंदर जाने को बेकरार है? तुम मैडम, आप इतनी खूबसूरत हैं, आपकी मुस्कुराहट कह रही है कि आप बेकरार हैं इस बॉक्स में जाने के लिए। यहां ऊपर आइए, तालियां। नहीं नहीं आना चाहती। कोई बात नहीं नहीं आना चाहती। कौन आना चाहेगा यहां इस बॉक्स के अंदर? ये कैसे आई यहां? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी वाइफ नहीं आनी चाहिए। मैं खुद नहीं जानता कि ये अंदर कैसे आ गई। उफ, ये मासूम चेहरा, पिंसोला की सबसे बड़ी गलती, उसकी वाइफ शीतल करेले की बर्फी खिलाती है उसको प्यार से। चुप, वहां आनी नहीं चाहिए, समझी ना? दिखनी नहीं चाहिए तू। ऐसा कभी हो सकता है जादूगर पिंसोला की वाइफ उसका शो देखने ना जाए? No. अरे तू वाइफ नहीं है, तू वाइफ एक नागिन है, नागिन। जहां तेरे कलम पड़ते ना, वहां पे तू लोगों को डसती है। मैं तो नागिन हूं ना, नागिन। अब तू देख, यही नागिन तेरे शो में जाके सबको चीख चीख के बताएगी कि ये जो पिंसोला है ना, ई, वो तो कोई नाली का कीड़ा है, मेरी जूती की धूल भी नहीं था। और वो क्या नाम था तेरा? पूरन चंद। अब वो पूरन चंद उनके सामने पिंसोला बना खड़ा है। तू ये सब बोलने वाली है? अरे नहीं नहीं, मैं तो ये भी बताऊंगी कि पिंसोला, उफ, द ग्रेट जादूगर, उसको तो जादू करना ही नहीं आता। अपने मुंह बंद रखा। और मैं तो ये भी बताऊंगी कि जादूगर पिंसोला के जादू की वजह से कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। वहाँ
आ पाएगी तब ना। हाँ? शो के दौरान मेरे चारों तरफ सिक्योरिटी होती है, समझी ना? और मैं उनसे कह दूंगा कि अगर तुझे देखे तो तेरी टांगे तोड़ दे। हाँ, तेरी टांगे तोड़ दे, समझी ना? मेरी टांगे तोड़वाएगा अपनी वाइफ की? पिंजोला ने शीतल से पंगा लेके अच्छा नहीं किया, ये करेगी उसका बेड़ा गर्क। कौन आना चाहता है बताइए। क्यों नहीं, आप जरूर आ सकते हैं। जाके कम वक्त ये सामान अंदर कैसे आया? पता नहीं आज क्या हो रहा है, सब सब उल्टा पुल्टा हो रहा है सर। मैं आऊंगा। यस, एब्सोल्युटली, तालियां। ये है समर। पिंजोला ने इसको ऐसा हिप्नोटाइज किया कि जब भी इसके आसपास कोई घंटी बजाता, ये उसकी जिंदगी का टंटन गोपाल कर देता। फाइनली हम बाहर खाने आ गए। हाँ यार, चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। एक मिनट, वेटर वेटर। अरे भाई साहब, वेटर। घंटी क्यों बजाई? घंटी बजाई। समर का एक ही मकसद है, बदला, पिंजोला से बदला, और आज वो मौका देख के चौका मारेगा। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अचिक है। अचिक, और बताओ अचिक, क्या तुम्हें डर लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। बॉक्स में जाने के लिए तैयार हो? बिल्कुल तैयार हूँ। Very nice. Well, please go on. पिंजोला, बस अब तेरी जिंदगी के 4 मिनट बाकी हैं। मैं बचाऊंगा इसे। जाओ, मेरी तलवार लाओ। ऐसे क्या देख रहा है? ये मेरा है, लाओ मुझे दो। सॉरी। आज कोई भी तलवार तुझे नहीं बचा सकती पिंजोला। काट के रख दूंगी तुझे, ठीक उसी तरह से जिस तरह से जख्मी शेरनी है कीर्ति, बदले की आग में जली जा रही है। मेरी टांगे काटी तूने पिंजोला, अब तेरी टांगों को मुझसे कौन बचाएगा?
मैं आ रहा हूँ। मुझे यहाँ पर कोई मार देगा। क्या हुआ अच्छी को? मुझे यहाँ पर राम मर गए थे। जूते लगा दी। अच्छी की जान चली जाती तो। बहुत डर लग रहा है जला। प्लीज मैं कुछ खोल खोलो। मैं जाऊँगा। अच्छी की जान बचाने। आवाज बंद हो गई। क्या हुआ होगा अजीत के साथ? अजीत, मैं आ रहा हूं। घबराना मत। मैं अजीत को बचाने जा रहा हूं। सर, इसे खोलना पड़ेगा। और ये है राका, पिंजोला का बॉस, कमाल का जादूगर। राका से जादू सीखा पिंजोला ने और आस्तीन का सांप बन के राका को ही डस दिया। राका के शो में ऐसा जादू टोना किया पिंजोला ने कि राका को जला के राख कर दिया। उसके चेहरे का ऐसा भरता बनाया कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। हथौड़ा लाओ। इन पांचों के हाथ पिंजोला के खून से रंगे हैं। अब कैसे किया खून, किसने किया खून, है कोई जवाब? से निकला खून ज्यादा फैला नहीं है। ये पिंजोला की मौत यहीं पे हुई है या बॉक्स किसी ने हिलाया? नहीं सर, जब बॉक्स से खून निकला तो ये बॉक्स यहीं पर था, इसी जगह पर। लेकिन उससे थोड़ी देर पहले तक जैसे ही बॉक्स यहाँ वहाँ खोद रहा था सर। सर ऐसा लग रहा था जैसे कोई आत्मा इस बॉक्स को उठा के इधर से उधर पटक रही है। मतलब पिंजोला की आत्मा उसके शरीर से निकल चुकी थी? पता नहीं सर, पिंजोला सर के बॉक्स में जाने से पहले एक और आदमी था जो बॉक्स में गया था। क्या बॉक्स के अंदर एक और आदमी भी था? जी। क्या उसी ने मारा पिंजोला? पता नहीं सर बॉक्स के अंदर क्या हुआ। या किसी को मालूम नहीं तो फिर मालूम किसे होगा, उस आदमी को जो पिंजोला के साथ बॉक्स में था। कहाँ यार सर, पता नहीं वो आदमी कहाँ चला गया सर। कमाल है, यहाँ पे किसी को कुछ पता नहीं। एक आदमी का खून हो गया है तुम लोगों के सामने, किसको पता है? सर शायद राका जी को मालूम होगा सर, इस ट्रिक के बारे में वो ज्यादा जानते थे सर। कहाँ है राका, बुला। बुला के लेता हूँ सर। संभाल के, संभाल के।
घूंघट क्यों डाल रखा है? हटाओ इसे। सर मेरा चेहरा आप देख नहीं पाएंगे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो चेहरा तो देखना ही पड़ेगा। हटा। सर प्लीज सर। सुना नहीं हमने क्या कहा? हटाओ इसे। ठीक है ढक ले ढक ले ढक ले। क्या हुआ? हाँ ये सब हुआ कैसे? सर जादू करते करते एक एक्सीडेंट हो गया था। बस एक मिनट इधर। बस तेज धार वाले हथियार से गला काटा गया इसका, और गला काटा नहीं गया, धीरे धीरे रेता गया है, जैसे नींबू काटते ना वैसे। सर बॉक्स में यही थी। ये तलवार के धार तो बहुत ब्लंट है। बिल्कुल धार नहीं है, इसे तो लॉग ही नहीं कटेगी, गला कैसे कटेगा? तलवार से काटा भी नहीं गया, किसी तेज धार वाले चाकू से काटा गया इसका गला। तो फिर वो चाकू कहाँ है? बॉक्स में था? नहीं, बॉक्स में तो सिर्फ लाश थी और ये तलवार थी। कमाल है। एक मिनट राका। यस सर। ये जो बॉक्स है इसमें जो ट्रिक है क्या होता है इसमें? सर इस ट्रिक में एक आदमी पहले बॉक्स के अंदर जाता है, उस पे अटैक होता है, और उसके बाद जादूगर पिंजोला बॉक्स के अंदर कूदता है। ठीक है, उसके बाद? और उसके बाद दोनों बॉक्स से गायब हो जाते हैं। वो आदमी कहीं बाहर बेहोश पाया जाता है और जादूगर पिंजोला सामने दरवाजे से अंदर मंच की ओर आता है। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। जादूगर पिंजोला बॉक्स के अंदर ही मारा गया और दूसरा आदमी गायब है। जी सर। पर बॉक्स में से आदमी गायब कैसे हो सकता है? तो ये है सीक्रेट। फिर यहां से 9-11 हो गया। हाँ, लगता है जमीन में कुछ तो है, यहां से वो गायब हो सकता है। देखो जरा, चेक करो। तो ये है जादू का रास्ता। हाँ, याचिक यहीं से भागा है, यहीं से भागा है वो। संभल के। ये कौन सी जगह आ गए? जादू का मामला है, कहीं हम लोग गायब ना हो जाएं। है क्या यहाँ पे? ये गद्दे वद्दे पड़े हुए हैं। चाकू मारा ऐसे सीने में। मर गया क्या? हाँ सर मर गया। राका सर इधर आओ, जरा देखो कौन है वो, कुछ बता सकते हो? ये तो अचीक है। अचीक? अभिजीत ये खूनी नीचे से ही गायब हुआ है, देखो कोई रास्ता वास्ता मिलता है क्या। अब ये कौन है? पूर्वी सर लगता है बेहोश है। खून लगा हुआ है चाकू पे। अनिता जी यहाँ पर दो दो खून हो चुके, दो दो खून। अच्छा अच्छा, तो ऐसे बोला जैसे कुछ पता ही नहीं है। तब का एक्चुअली मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। नाटक बंद, ये नाटक बंद। जब पिंजोला जादू दिखा रहा था उस वक्त तुम कहाँ थी? और जब अचिक इस डब्बे के अंदर घुसा उस वक्त तुम कहाँ थी? स्टेज पे। स्टेज पे, और उसके बाद जब पिंजोला इस डब्बे के अंदर कूदा तब कहाँ थे? एक्चुअली मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। झूठ बोल रहे हो तुम, तुम्हें सब याद है। तुम यहाँ पर नहीं थी, नीचे स्टेज के नीचे थी तुम। नहीं मैं, एक सेकंड मुझे याद आया,
मैं स्टेज पे थी और मेरे मोबाइल पे एक कॉल आया था मुझे। अच्छा, कहाँ है फोन? कहाँ है फोन? मेरा फोन तो गायब हो गया। हाँ, मेरा फोन खो गया है। चाकू तुम्हारे पास कहाँ से आया? इस चाकू से तुमने अचिक और पिंजोला को मारा है। कहाँ से आया ये चाकू? सर, मुझे सच में एक फोन आया था और मुझे किसी ने बोला था कि बैक स्टेज आ जाओ। मैं स्टेज के पीछे गई तो वहां अंधेरे में मुझे किसी ने इशारा किया था बुलाने का। बस मुझे कुछ याद नहीं उसके बाद। सर, सर वो मुझे मालूम है ये चाकू किसका है। किसका चाकू है? सर, वही लड़की जिसकी टांगे कटी हुई है। कौन है ये लड़की? पता नहीं सर, पहली बार ही देखा है। शायद कीर्ति होगी सर। कीर्ति? इस कीर्ति की क्या दुश्मनी थी पिंजोला के साथ? उसकी टांगे सर, पिंजोला ने गलती से काट दी थी। अभिजीत, लगता ये लड़की कीर्ति पिंजोला से बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने चाकू रखा था। कुछ लोग होते हैं सर, जिंदगी भर नहीं भूलते जो उनके साथ हुआ हो। सर, सर ये देखिए क्या मिला। सर, ये तो राका का ग्लव है। सर, ये मेरा ही है। सर, ये नीचे मिला है जहां चिक का खून किया गया था। अच्छा। सर, मैं तो सारा टाइम मंच पे ही था, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। हाँ सर, राका सर ठीक कह रहे हैं, ये हर वक्त हमारे साथ स्टेज पर ही थे। अगर तुम यहीं पे थे तो तुम्हारा ये ग्लव स्टेज के नीचे कैसे पहुंचा? सर, 3 दिन पहले ये खो गया था, मैंने बहुत ढूंढा पर नहीं मिला, तो मैंने ये पुराना वाला पहन लिया। तुम लोगों ने मजाक बना रखा है, है? अनीता कहती इसे कुछ याद नहीं है, राका कह रहा कि ग्लव्स खो गया था और कीर्ति चाकू छोड़ के भाग गई। और कोई बचा इस प्लान में तो बता दो। सर, शीतल मैम और समर भी थे। ये दोनों कौन है? शीतल मैम तो पिंजोला सर की वाइफ है। और समर? सर, ये समर पिंजोला के जादू का शिकार हो गया था। पिंजोला का खून हुआ, शीतल और समर गायब हो गए। आप लोग कौन हैं? हम लोग CID से। वहां मुकुल ने हमें बताया कि उसने तुम्हारे पास एक चाकू देखा था। तुमने तो पिंजोला के साथ काम करना बंद किया था, तो फिर उसके मैजिक शो में क्यों गई थी? पिंजोला का खून करने सर, क्यों? अरे सर, अरे एक मिनट, ठीक है। मेरे हाथों से मरने से पहले मर गया पिंजोला। अच्छा, तो तुम भी? ये टैटू वाली औरत कौन है? ये डायना है सर, सॉरी है नहीं थी, ये तो कब की मर चुकी है। अभिजीत, ये टैटू? हाँ सर, ये टैटू तो वहां भी घूम रहा है, ऑडिटोरियम में। पिंजोला का खून इस चीज से हुआ, इससे। सर, ये तो एक टैटू है। हाँ, क्यों अनीता जी, पहचानती है इसे? ये टैटू मेरी बहन का है। बहन? कहाँ है ये बहन? डायना मर चुकी। ओ, मर चुकी है? डायना नाम है तुम्हारी बहन? हाँ। मौत कैसे हुई डायना की? कार एक्सीडेंट में।
मेरी बहन पेंजोला से बहुत प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी। पेंजोला ऑलरेडी शादीशुदा था, उसने उसका एक्सीडेंट कराया और जलती हुई कार में मेरी बहन को छोड़ के भाग गया। फिर मेरी बहन डायना मर गई। झूठ, डायना मरी नहीं, डायना अभी भी जिंदा है। उर्वी, ये लो, है ना, यही टैटू इसकी गर्दन पर है। डायना का पता नहीं। तुम कौन? मैं विधि। विधि कौन? मैं पूर्णिमा। मैं डायना हूँ। मेरा नाम डायना। पेंजोला ने कार एक्सीडेंट में मुझे ऑलमोस्ट मरवाई दिया था। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गई, लेकिन इसमें मेरा चेहरा बुरी तरह जल गया। डॉक्टरों ने प्लास्टिक सर्जरी करके मुझे एक नया चेहरा दिया। मुझे लगा ऊपर वाले ने मुझे एक मौका दिया है पेंजोला से बदला लेने का। मैंने फैसला कर लिया इसका फायदा उठाऊंगी और इस तरह मैं डायना से अनीता बन गई। तो तुमने मारा पेंजोला को? नहीं। फिर झूठ। मैंने नहीं मारा। समर ने मुझे पैसे दिए थे। समर ने तुम्हें पैसे दिए थे? क्यों? उसे कहा था कि जब पेंजोला बॉक्स में आएगा तो मैं उसे बेहोश कर दूं और उसके बाद वो उसे उठा के ले जाएगा। ये समर ने डायना को पैसे क्यों दिए? बजी मौत आई। घंटी नहीं बजाना, चोर मारा है। तुम देखो, घंटी। तुम्हारी घंटी तो हम बजाएंगे। समर बैठो इधर। समर घंटी यार, घंटी के पीछे क्यों पड़ गया? घंटी बजाई तो मौत आई। अभिजीत ये घंटी की आवाज से हिप्नोटाइज हो गया है। पेंजोला ने बोला घंटी बजी तो खून करना है। किसका? घंटी। अभिजीत ये घंटी की आवाज से हिप्नोटाइज हो जाएगा और फिर किसी का खून करेगा। आदमी के पैजामा मेरा गर्दन पकड़ लिया, इतनी नाजुक सी गर्दन। अनीता को पैसे दिए थे पेंजोला को किडनैप करने के लिए? पेंजोला की घंटी बजाऊंगा। अरे बजा ले भाई, कितनी बजाएगा, वो गया ऊपर। पेंजोला ऊपर नहीं चला गया, तुम लोगों ने उसे ऊपर भेजा है और अब नाटक कर रहा है। देख भाई घंटी, जब तूने स्टेज पे जाने के लिए हाथ उठाया था तो अचिक ने तुझसे कुछ बोला था, तुझे रोका था,
कुछ कहा था? एक तो वो लेट आया था, बोला कि ट्रैफिक जाम था जूहू में, देर लग गई आते आते। जूहू में कहां से? अकेडमी से निकलते निकलते देर हो गई बोल रहा था। अकेडमी जूहू में अकेडमी? इस आदमी को पहचानते हैं आप लोग? जी सर। यहाँ पे था ये आदमी? हाँ सर। क्या करता था यहाँ पे? सर वो मैजिक सीखता था। अच्छा, मैजिक सीखता था, और मैजिक सिखाता कौन था? वो पिंजोला सर। पिंजोला? मतलब पिंजोला से ही मैजिक सीखता था और फिर पिंजोला को ही मार डाला? वाह रे वाह। पिंजोला और अचिक दोनों की मौत हो गई है, फिर भी इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, हैं? छुट्टी नहीं है? नहीं सर, मैडम ने बोला कि आज स्कूल खुला रखना है, कोई छुट्टी नहीं होगी। मैडम? कौन है ये मैडम? शीतल मैडम। क्या? शीतल? शीतल पिंजोला की बीवी? शीतल? हाँ सर, ये स्कूल उनका ही है। तो है कहाँ ये शीतल मैडम? है यहाँ पर है अभी। ये लो अभिजीत, शीतल मैडम। सर न, न, न। टेबल के नीचे क्या कर रही हैं? बाहर आइए। सर, सर, मैं बाहर नहीं आ सकती। क्यों नहीं आओगी बाहर? वो सर, टेबल के नीचे घुसने में बहुत टाइम लगा ना सर। जब पिंजोरा ने बक्से के अंदर कूदा था, तब तुम स्टेज के नीचे क्या करने गई थी? मैं सर, मैं नहीं गई थी। झूठ बोल रही हो तुम, तुम वहीं पर थी। पिंजोला जब बॉक्स में कूदने वाला था, मैं तो उससे पहले गई थी, लेकिन नीचे तो कुछ था ही नहीं। कोई नहीं था? बस एक स्टूल पड़ा था सर, बस। वहाँ कोई स्टूल वूल नहीं था। जब हम वहाँ पहुँचे तब सिर्फ गधेले थे वहाँ पर, और अचिक की लाश पड़ी थी बस। यहाँ स्टूल से किसी का क्या लेना देना है? दया है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है उस स्टूल में। सर, वो शीतल ने जैसा बताया था ना, वैसे ही साइज का एक स्टूल है। एक सेकेंड। सर, ये स्टूल यहाँ क्यों रखा होगा? अचिक यहां से नीचे गिरा। मान लो अगर यहां पर गद्दे नहीं थे तो अचिक। श्रेया, सारंगी को फोन लगाओ जल्दी। अचिक यहां पे गिरा और किसी ने उसका। सर एक सेकंड होल्ड कीजिए। सारंगी एक बात बता और जल्दी। अचिक जब नीचे गिरा तो क्या उसकी हड्डियां टूटी थी? रीढ़ की हड्डी टूटी थी और गर्दन भी। ठीक है, थैंक यू। देखा, मतलब जब अचिक नीचे गिरा तब गद्दा यहाँ पर नहीं था। एग्जैक्टली। अचिक सीधा गर्दन के बल गिरा और गर्दन की और रीढ़ की हड्डी टूट गई। फ्रेडी, फ्रेडी पिंजोला को जो बॉक्स है ना, वो यहाँ पे लाओ। पंकज जरा अंदर आ। ये पिंजोला और खूनी ने उसका गला काट दिया। हाँ ठीक है, ओवर एक्टिंग मत करो।
अच्छा तो ये चक्कर है सर, अजीत को मारने के बाद खूनी से स्टूल पे खड़ा था और पिंजोला का इंतजार कर रहा था। जैसे पिंजोला अंदर कूदा उसने उसका गला काटा और स्टूल से नीचे। खूनी जो भी है सर, उसके उंगलियों के निशान यहाँ पे होंगे, मतलब खूनी मिल गया सर। सबके सामने पिंजोला का खून हुआ, किसी को कुछ नहीं पता चला कि खून किया किसने, है ना बड़ी अजीब बात। लेकिन जब हमने सीआईडी ने पिंजोला के बॉक्स के अंदर नाक डाल दी तब दिखा क्या? वहां दिखी शीतल। सर ये तो पिंजोला के जादू के स्कूल में पकड़ी गई थी और वहां पे हमें इनका बैग मिला और इस बैग के अंदर मिला एक चाकू। इस चाकू से खून किया गया है, इस चाकू से। लेकिन सर मैंने खून नहीं किया है। शीतल सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने खून नहीं किया है, नहीं किया मैंने खून सर। अरे पर हमने कब कहा कि खून तुमने किया है? लेकिन सर चाकू तो शीतल के बैग से ही मिला है। हाँ अभिजीत, शीतल जब चाकू लेकर भाग गई तो बाहर उसे मिली अनीता। मुझे कुछ याद नहीं है। शीतल अनीता मिली थी। हाँ। फिर अनीता ने चाकू डाल दिया शीतल के बैग में। कीर्ति जब तुम भाग रही थी घर की तरफ तब तुम्हें ये अनीता मिली थी? हाँ सर। कीर्ति का चाकू आ गया अनीता के हाथ में, अनीता चाकू लेके लेट गई, नाटक करने लगी बेहोश होने का। हाँ चाकू पे उंगलियों के निशान मिले हैं हमें। और वो उंगलियों के निशान तुम्हारे नहीं है। तो फिर सर वो उंगलियों के निशान है किसके? वो उंगलियों के निशान उस आदमी के है जिसने हैमर से बॉक्स तोड़ा था। काका सर के? नहीं पर सर वो बॉक्स तो राका ने ही तोड़ा था। सर सबने देखा था, बॉक्स राका ने ही तोड़ा था। उस बॉक्स को राका ने ही अपने हाथों से पकड़ा था। नहीं पूर्वी नहीं। तो फिर कौन है सर बताइए ना, पेट में दर्द हो रहा है सर, वाइफ को फोन करके बताना है। अभी बताता हूँ फ्रेडी। वो उंगलियों के निशान, उंगलियों के निशान है सर। मैंने तो सिर्फ हैमर लाके दिया था राका सर को, और फिर राका सर ने ही वो बॉक्स तोड़ा था सबके सामने सर। उंगलियों के निशान है। मैं स्टेज पे खड़ा था सर, पर जब अचीक स्टेज पे आने लगा तब राका ने मुझे कहा कि क्या कहा? राका ने क्या कहा? सर राका ने कहा कि उसे 15 से 20 मिनट का जरूरी काम है, तो मैं उसका मास्क और कपड़े पहन के स्टेज पे चला जाऊं। ओ तो मतलब जो आदमी बॉक्स पे हैमर मार रहा था वो राका नहीं था? वो राका नहीं था, विकी था। विकी सर तो फिर ये राका का था? राका स्टेज के नीचे था, आचिक का इंतजार कर रहा था।
जैसे ही आचिक बॉक्स के अंदर घुसा, राका ने स्टेज के नीचे का दरवाजा खोल लिया, बॉक्स के नीचे का भी दरवाजा खोल लिया। आचिक नीचे गिरा, राका ने आचिक को चाकू मार दिया। उसके बाद आया पिंजोला। सर, अगर असली खूनी राका है तो फिर आपने चाकू वाली कहानी क्यों बनाई थी? कभी कभी सच को सामने लाने के लिए झूठी कहानी बनानी पड़ती है। मैंने पिंजोला को जादू सिखाया था और उसने मेरे सिखाए हुए जादू से मेरे चेहरे को ही जला दिया। उसके बाद मैं बर्बाद हो गया, किसी काम का नहीं रहा, खाने के लाले पड़ गए। तब से राका तुम्हारे दिल में आग लगी थी, अब जेल में बैठकर अपने दिल पे पानी डालते रहना, तब तक फांसी का ऑर्डर तो आ ही जाएगा।